हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के दिन है मार्केट का दोस्तों वीक का लास्ट डे, ठीक है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहता है। जैसे लास्ट फ्राइडे को बहुत सारा ट्रेडर्स का ये मानना रहता है कि जैसे ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं मार्केट को, लेकिन बेसिकली ये सोचने की बात है। अगर एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके अगर ट्रेडिंग करते हो दोस्तों आप लोग, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है मिल सकता है, ठीक है। और जो भी ट्रेडर्स है जिनको भी हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होना है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों ऐप स्टॉक का, वहाँ पर जाके प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो दोस्तों। आइए आपका आज का मार्केट अपडेट दे देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। आज आप देख सकते हो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी। जो सपोर्ट जोन दिख रहा था जब लगभग 9100 का, उसे नहीं ब्रेक कर पाया निफ्टी और रेजिस्टेंट पे हाई बना रहा था। अब यहाँ से कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा है निफ्टी जल्दी ही 10000 आ जाएगा दोस्तों। आज 27 स्टॉक ऐसे थे मार्केट में जो पॉजिटिव थे, 22 स्टॉक में नेगेटिविटी देखने को मिली और एक स्टॉक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला, ठीक है। वहीं पर अगर आप लोगों को मार्केट के वॉल्यूम की बात करूँ, कोटक महिंद्रा मज़ा आ गई दोस्तों आज इसमें ट्रेड करने में। TCS टाइटन में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम रहा था। इसी बीच काफ़ी अच्छे स्टॉक भी थे जिसमें काफ़ी खास मोमेंट रहा था दोस्तों। तो जो कल के लिए पहला स्टॉक निकला है उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों जो आप लोगों के लिए पहला स्टॉक है वो है UPL लिमिटेड का। आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इसमें देखने को मिली हाई लेवल से। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ। प्रीवियस क्लोज देखिए, उसके बाद गैप अप ओपनिंग, हाई देखिए कितना शानदार लगा है लेकिन लो। तो इस पोजीशन के साथ साथ अगर आप वॉल्यूम देखोगे चार्ट पे, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। ट्रेड वॉल्यूम देख सकते हो नंबर ऑफ़ शेयर में करीबन 56 लाख के ऊपर का है। ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ़ शेयर में 20 लाख के ऊपर का दोस्तों, ठीक है। वहीं पर आपको इसका डिलीवरी पैटर्न दिखाता हूँ। थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ साथ जो लालच रहती है ट्रेडर्स के मन में कि ये इस स्टॉक को परचेस करें, वो आज इस स्टॉक में देखने को मिली 18 लाख से ज़्यादा की, जो कि 32% की है दोस्तों, ठीक है। तो वहीं पर आप लोगों को जो मार्केट के अकॉर्डिंग रहता है दोस्तों जो मोमेंटम, उसको चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको मैं अब। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो UPL का मोमेंटम चार्ट देखिए, मोमेंटम कहाँ से आया। अगर मोमेंटम की मैं बात करूँ तो इस पोजीशन से मोमेंट आया और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बाकी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा अप डाउन हो रहा था, ठीक है। जो वॉल्यूम खास आया वो तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक इस पोजीशन पर एक इस पोजीशन पर आया। बाकी जहाँ यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देन, उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर के बाद आप देख सकते हो करीबन 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ। वहीं पर आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा 5 दिन का चार्ट, तो उसमें भी 6.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, मार्केट में थोड़ा बहुत डाउनफॉल चल ही रहा था, स्टॉक में सेल प्रेशर आया और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला। तो देखिए ये सेल प्रेशर को देखते हुए जो चार्ट पे देखा गया दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली मेरे को, कि अगर ये गैप अप ओपनिंग, या मान लीजिए दोस्तों मेरे लिए तो ये गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग देता है, तो भी मैं इसको लगभग मेरे जो टारगेट बेस रहेगा, मैं इसको 352 रुपये से इजीली बाय करूँगा। 358 1% का टारगेट लूँगा मेरे लिए, इसमें 1% का टारगेट बहुत रहेगा दोस्तों। वहीं पर स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ तो सेम 1% से थोड़ा सा कम, मतलब 348 लगभग 4 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से मुझे समझ में आया है, मैं उसके बेस पे ट्रेड करूँगा। मैं 4 स्टॉक लाता हूँ दोस्तों, ठीक है। जो 2 स्टॉक रहते हैं वो प्रीमियम टेलीग्राम में प्रोवाइड करता हूँ, बाकी जो 2 स्टॉक रहते हैं आप लोगों को वो मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ, कि ओब्वियसली आप लोगों को अच्छे से मेंटेन हो सके आपका प्रॉफिट, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ईजिली जो 4 से 5 हज़ार डेली बेसिस पे प्रॉफिट रहता है, लगभग 20,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट पे वो ईजिली आपको निकल के आए, ठीक है। तो जो भी ट्रेडर्स प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होना चाहता है वो प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब सेकेंड स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कितना शानदार आज का मोमेंट रहा था माइंडट्री, IT सेक्टर की कंपनी, कितना शानदार लगभग 5% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोज देखिए, गैप अप ओपनिंग, हाई देखिए कितना शानदार लगाया, लो देखिए वहाँ से कितना नीचे आया स्टॉक, ठीक है। फिर हाई लगाने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी दिया,
ट्रेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली बात यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेड रहता है मार्केट में माइंडट्री में या आईटी सेक्टर में उसमें वॉल्यूम काफ़ी कम देखा जाता है इंट्राडे मार्केट में। इसमें भी लगभग 8 लाख के ऊपर का देखा गया है ट्रेड वॉल्यूम नंबर, आप लेक में देख सकते हो 6 लाख के ऊपर का देखने को मिला। वहीं पर अगर आप लोग इसका डिलीवरी पैटर्न देखोगे तो डिलीवरी पैटर्न भी काफ़ी कम देखने को मिला आज की कंडीशन में, लगभग 2.25 लाख के समथिंग का है जो कि 26% का है। जो मेन चीज़ें रहती है वही आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि उसमें आप लोगों का जो माइंड रहे वो सेट रहे, इधर उधर भटके नहीं, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो लॉस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, रिस्की हो जाता है। जिसके लिए दोस्तों आप लोगों को जो मेन चीज़ें रहती है वो बताता हूँ और प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करवाता हूँ, ठीक है। तो आइए चार्ट पैटर्न इसका भी देखते हैं अपन। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को इसका जो माइंडट्री का चार्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट कितना खतरनाक है, ठीक है। ये मोमेंटम इस पे देखिए, फिर यहाँ से तो इस प्रकार के मोमेंटम के चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन प्रॉफिट बुकिंग, जैसे यहाँ देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ देखिए कंटिन्यूसली मोमेंटम। तो ये वॉल्यूम जो रहता है ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टॉक पे, तो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता, स्टॉक गिर चुका था आप लोगों ने देखा भी, ठीक है। 5 दिन का चार्ट देखोगे उसमें भी गिर चुका है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम रहता है दोस्तों। इसी में मेरे को जो चार्ट पे समझ में आया इसको कल की डेट में भी मैं एक ईजिली तरीके से बाय कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। ईजिली मैं इसको 770 पे बाय करूँगा दोस्तों, ठीक है। मेरे लिए ईजी अच्छे से मोमेंटम दे सकता है, लगभग 780 का टारगेट लेके चलूँगा 10 रुपये का। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 765 रुपये का 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलूँगा दोस्तों, ठीक है। दोनों स्टॉक में प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है, जो भी कंडीशन आती है वो आपके हिसाब से भी आप टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन करें या आपके हिसाब से भी आप रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से समझ के फिर काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे के टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।